वीकेंड के वार से अब रूबीना दिलैक को लगता है बहुत ज्यादा डर। पिछले बैक टू बैक दो वीकेंड के वार जिस तरीके से गए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि रूबीना दिलैक इस वीकेंड के वार यानी कि कल के लिए बहुत ज्यादा सहमी हुई हैं और साथ ही साथ उनके मन में एक तरीके का खौफ है, वो खौफ ज्यादा हो रखी है। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों रूबीना दिलैक की। ओ हाँ, फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस ज्वाइन कर सकते हैं राहुल भोज की आईडी पे जाके। अब बात करें दोस्तों अगर रूबीना दिलैक के इस खौफ की, रूबीना दिलैक के इस तरीके की एक सिचुएशन की जो कि उसे फील हो रहा है पिछले बैक टू बैक दो वीकेंड के बाद से इस उंगली को लेकर जो कि मुद्दा नहीं था, या फिर अगर पिछले बार अगर आपको वो प्री कंसीव नोशंस और ये जो चीजें थी उस चीज को लेकर रूबीना दिलैक सहमी हुई है, डरी हुई है, उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस वीकेंड के बाद में भी सोनाली फोगाट को बिल्कुल भी नहीं डांटा जाएगा, और डांटा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसे डांटा जाएगा। रूबीना ने इसके लिए दोस्तों थोड़ा बहुत खाना भी छोड़ दिया है, आपको बता दूं दोस्तों। और साथ ही साथ रूबीना को इस बात का भी डर है कि एजाज खान ने जिस तरीके से जो है हफ्सी शब्द को रेसिज्म कहा तो उस चीज को लेकर भी रूबीना को डांट पड़ी जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों, ये है खौफ जब आप एकदम से सही हैं लेकिन आपको इस बात का डर है कि आपको वीकेंड पर डांट पिटेगी, आपको वीकेंड पर जो है सलमान खान साहब कुछ ना कुछ आकर बोलेंगे, और वो आकर बोलेंगे आपको कि यार तुमने ये गलत किया, रूबीना प्लीज, रूबीना नो, रूबीना आप तो मत ही बोलिए, इस तरीके की बातें। रूबीना ने यही खौफ अपना जो है निकित अम्बोली से शेयर किया है दोस्तों, और निकित अम्बोली ने उसको सांत्वना दिया और बोला है कि कुछ नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, मैं गया और खबरें लेकर आया।